नमस्ते अमरावती, आज आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि हमारे साथ है आज स्नेहल राय उर्फ स्वीटी गगलानी। आज इनके बारे में हम आपको सब हर एक चीज विस्तार में बताएंगे कि आज ये इस शिखर पे कैसे पहुंची। तो स्वीटी जी, आप ही हमें बताइए कि आपकी स्टार्टिंग कैसे हुई, आपने कैसे शुरुआत की अपने करियर की। ओह माय गॉड, इतने सारे क्वेश्चन एक साथ। एनीवेज, सबसे पहले तो मेरे सारे अमरावती के सारे फ्रेंड्स, नियर्स एंड डियर्स, वेल विशेस और सारे हमारे आरसीएन के व्यूअर्स, सभी को मेरी ओर से एक प्यार भरा नमस्ते। और बहुत खुशी होती है अमरावती आकर। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि यहाँ आकर वो जो एक चाहत होती है कुछ बनने की, वो हर बार जब मैं यहाँ आती हूँ वो रिफ्रेशमेंट हो जाता है, रिफ्रेश हो जाती है वो चाहत। और जैसा कि आपने पूछा मुझसे डेब्यू मेरा, एक्चुअली अगर देखा जाए तो इस कला क्षेत्र में डेब्यू मैंने एज बाल कलाकार अमरावती में ही किया है। अमरावती में मैंने डांस और एक्टिंग, मॉडलिंग, इन सब में मैं पार्टिसिपेट किया करती थी। और मेरे इस डेब्यू में, मेरे इस कला के क्षेत्र में एंट्री लेने के पीछे बहुत लोगों का हाथ है। हर जिंदगी में, हर एक की जिंदगी में ऐसा होता है कि माँ बाप बहुत मोटिवेट करते हैं, बट कुछ बहुत चुनिंदा ऐसे लकी लोग होते हैं जिनको ना ही सिर्फ माँ बाप, ना ही सिर्फ परिवार, लेकिन बाहर एक और परिवार बन जाता है जो उन्हें बहुत मोटिवेट करता है। मेरा भी एक ऐसा ही परिवार है। मेरे इस परिवार में मैं सबसे पहले नाम लेना चाहूँगी विराग दादा का। विराग दादा एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने मुझे एक्चुअली सिखाया कि इमोशंस क्या होते हैं। हास्य, दुख, ये सारे जो नवरस है, इसके बारे में मुझे डिटेल में सिखाने वाले विराग दादा है। मैंने उनके साथ मैंने काम किया, आई एम वेरी लकी। ओसामा हमारा एक नाटक था और इस नाटक के हमारे एक और कर्ता धर्ता चंद्रकांत शिंदे जो हमारे डायरेक्टर थे, हमारे लीड थे, इन्होंने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया कि कैसे करना। और डेब्यू एक्टिंग में, थिएटर में मैंने चंद्रकांत सर के इस ड्रामा ओसामा में मैंने किया। और इस पहले ही मेरे ब्रेक में मुझे अवार्ड मिला था, मुझे प्रशस्ति पत्र मिला था, मुझे प्रशस्ति पत्र से नवाजा गया था। इसी के साथ मैं धीरे धीरे, इतना कुछ है कहने के लिए, डांस की बात अगर आती है, मॉडलिंग की बात आती है, तो हमेशा मुझे मोटिवेट करने वाले, कभी अगर मैं नहीं ना, मुझसे नहीं होगा, तो हमारे एक बहुत ही फेमस अमरावती की इवेंट मैनेजर है पंकज थोराथ, मैं उन्हें प्यार से दादा कहती हूँ। दादा ने बहुत साथ दिया, कभी भी अगर मैं लड़खड़ा जाऊँ तो मुझे फिर से वो डांट, वो फटकार कि ए ऐसा नहीं, फिर से खड़ा होना है, तुम्हें बहुत दूर तक जाना है, लंबी रेस का घोड़ा बनना है, ये मुझे दादा ने सिखाया। और इन सब में सबसे ज़्यादा अगर मुझे किसी ने तराशा, मुझे मेरी कला में अगर किसी ने एक्चुअली समझा, इन सभी ने समझा, लेकिन डांस में मुझे, जैसे कहते हैं कि माधुरी दीक्षित जी की गुरु सरोज जी है, वैसे ही मेरे गुरु भेले मैडम हैं। उन्होंने मुझे वो छड़ी ले लेके सिखाया और उनकी वही मुझे टीचिंग जो मिली है, उसी टीचिंग से मैं बूगी बूगी में लाखों लोगों के बीच में से सिलेक्ट होकर विनर बनकर निकली हूँ। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो अमरावती की मैं पहली लड़की हूँ जिसने बूगी बूगी में अमरावती से जाकर विनिंग टाइटल जीत के लाया था। ऐसी मेरी ये भेले मैडम है। और मैं इन सब के बारे में जितना कहूँ उतना कम है। ये अगर लोग ना होते तो मेरा ये जो डेब्यू है ये आज इस हद तक तब्दील ना होता। डेब्यू मैंने जी टीवी पे किया, बट मेरी ज़िंदगी में एज अ कलाकार डेब्यू मेरा अमरावती में हुआ है। और मैंने अमरावती में बहुत कुछ किया, मैंने डांस कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया, मॉडलिंग में पार्ट लिया। क्या ये बात सही है कि आप 4 और 6 साल से काम कर रही हैं? स्टार्टिंग आपका बूगी बूगी बचपन से स्टार्ट। आपने बहुत स्टडी करके रखी है, राइट? सो सीरियसली आरसीएन हैट्स ऑफ। यस, मैं 4 साल की थी आई गेस जब मैंने पहली बार डांस कंपटीशन में पार्ट लिया था। और तकरीबन मुझे 400 से ज़्यादा अवार्ड्स हैं डांस में। और मैंने थिएटर किया अमरावती में, मैंने यहाँ कई दिग्गज, अमरावती के जो दिग्गज हैं उन्हें मैंने अपना गुरु माना। और जैसे कि नाना हमारे एमटी देशमुख साहब, भेले मैडम, ये मेरी डांस की टीचर थी। एमटी सर मुझे थिएटर में बहुत मदद किए हैं। और पंकज थोरात, आप सभी जानते होंगे, जाने माने पत्रकार हैं आज, उन्होंने बहुत प्रोत्साहन मुझे दिया है कि स्वीटी तुम कर सकती हो, तुम्हें करना चाहिए।
और ऐसे कई लोगों ने मुझे प्रोत्साहन दिया कि आप बढ़िया आगे, हम आपके पीछे खड़े हैं, जैसे विराट जाखड़। और इन सबके साथ इनके इन्होंने इतना मोटिवेट किया मुझे कि इनके इस मोटिवेशन से मैं सोचा मैंने कि जैसे अमरावती में मैं नाम कमा रही हूँ, क्यों ना मैं अमरावती का नाम बम्बई में लेकर जाऊँ। और वही मैंने कोशिश की और उसी कोशिश में अमरावती में मैंने मेरे ख्याल से बैक टू बैक 4 ब्यूटी पेजेंट्स जीते थे। मिस अमरावती रह चुके हैं आप 4 बार। लोग हैट्रिक करते हैं, हराते थे, हैट्रिक करते हैं। यस, मुझे 4 अवार्ड्स मिले थे, फिर 400 अवार्ड्स हैं डांस रिलेटेड। एक्टिंग में मैंने यहाँ पर प्रशस्ति पत्र हासिल किया था। ये सब होने के बाद मैं जी टीवी पे पहुंची। जी टीवी पे जाने से पहले अनुपम खेर मेरे गुरु रहे हैं, वो मेरे गुरु हैं। एक्टर प्रिपेयर्स एक एकेडमी है, एक्टिंग स्कूल है मुंबई में, जिसमें एडमिशन लेना वाकई में बहुत मुश्किल था। हमारी ऑडिशंस होती है, एग्ज़ाम होती है, उसमें हमें मार्क्स मिलते हैं, मतलब बहुत टफ होता है। अनुपम सर की एकेडमी में एडमिशन लेना मतलब बहुत बड़ी बात है। वहाँ मुझे एडमिशन मिली, मैंने वहाँ से एक्टिंग सीखी। अनुपम सर का कहना है कि एक्टिंग सीखी जा सकती है, सो मैंने भी सीखी। और वहाँ से सीखने के बाद जी टीवी पे मुझे काम मिला। जी सिनेस्टार्स की खोज एक रियलिटी शो था, जिसमें हमने आपको देखा भी है। थैंक यू सो मच। यू लाइक इट? हाँ, नहीं अमरावती के कई दर्शक, कई आपके फैंस हैं, जब सब जनों ने सभी ने देखा। आई एम 100% श्योर अमरावती में मेरे फैंस से ज़्यादा मुझे मेरे ख्याल से आशीर्वाद देने वाले, मुझे विशेस देने वाले लोग हैं। और फैंस हैं तो मुझे तो अच्छा ही लगेगा। बट शायद आप लोगों की दुआएं हैं कि मैं 3.5 लाख लोगों से भी ज़्यादा लोगों ने अप्रोच किया इस शो के लिए, और इस शो में मैं टॉप 5 में आई। उन 3.5 लाख लोगों में से जो बेस्ट 5 थे, उसमें से एक मैं थी। पूरे इंडिया, इनफैक्ट इंटरनेशनली लोग आए थे। जो विनर है वो अजरबैजान एक कंट्री है, वहाँ से विनर है और हम टॉप 5 में थे। सो आप लोगों में से जिसने भी मेरे लिए वोट किया था, उसके लिए सच में थैंक यू। उनमें हम भी थे। और आगे कैसे रहा? ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा मैं झूठ नहीं कहूँगी, स्ट्रगल ये शब्द को लोग अलग अलग अंदाज से लेते हैं। मेरे लिए शायद ये स्ट्रगल कभी नहीं रहा कि मुझे मुंबई में बड़ा पाव खा के जीना पड़ा, ऐसा नहीं था। बाय गॉड्स ग्रेस मैं एक अच्छे से घर में अच्छा खाना खा के मैंने स्ट्रगल किया। सो स्ट्रगल का मतलब ये नहीं होता कि बड़ा पाव खाओ या छोटे से कमरे में रहो, दैट इज़ नॉट स्ट्रगल। बट हाँ, मैंने बहुत ऑडिशंस दी, कभी मुँह के बल भी गिरी, हर बार मुझे सक्सेस मिला है, ऐसा नहीं है। कई बार ये भी मैंने सुना, अरे तुम तो कहाँ से हो, पता नहीं, ऐसा हर बार। लेकिन उन सारी चीज़ों से मैंने एक चीज़ सीखी कि जो लोग आज ऐसे बात कर रहे हैं, एक दिन आएगा जब उन्हीं लोगों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला और मैं साबित कर सकूँ कि नहीं, मुझ में है कुछ। तो मैं अड़ी रही, मैं डटी रही, मैंने बहुत कोशिश की, मैंने बहुत संघर्ष किया है। एक्टिंग कभी आती थी, कभी नौ सीखिया बोल के निकाल दिया जाता है। ये सारी चीज़ें होने के बाद एक वक्त आया जब काम पे काम मिलने लग गया। तो ऐसा हो गया जब मैं आपको वाकई में एक बात बताना चाहूँगी मेरे सारे दर्शकों को। मैंने अपने घर पे कहा कि अब बस हो गया, बहुत हो गया, काम नहीं मिल रहा है, मुझे घर जाना है, बस घर आना है। और मैंने सामान पैक किया, और क्योंकि सामान बहुत था तो मैं फ्लाइट से नहीं ट्रेन से जा रही थी, कि बहुत ज़्यादा सामान है। तो मैं ट्रेन में बैठी, और ट्रेन में बैठ के मुझे कलर से ऐसा कॉल आता है कास्टिंग पर्सन का। लाइक हर बार की तरह मुझे बोलेंगे कि आप सिलेक्ट आखिरी तक हुए, लेकिन आखिरी से कोई और सिलेक्ट हो। तो पहले तो मैंने फ़ोन उठाया नहीं, फिर मैंने फ़ोन उठाया, और उठाने के बाद मैंने कहा हेलो, तो कहते हैं आप शॉर्टलिस्ट हो गए। तो मैंने कहा शॉर्टलिस्ट का मतलब क्या हुआ, मतलब फिर से आप बोलोगे 5 में से 1-2 में से और बोलोगे फिर किसी और? नहीं नहीं, आप सिलेक्ट हो गए हो, आप शॉर्टलिस्ट हो गए उस किरदार के लिए जिसका नाम है ताना है। मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मैं, क्या होता ना, हम जब मेहनत करने लगते हैं ना, हम उस मेहनत में इतने खो जाते हैं कि जब हमें वो चीज़ हासिल होती है, हम विश्वास नहीं कर पाते, यकीन नहीं कर पाते कि वाकई में। और मुझे ऐसा लगा कि मैं अमरावती की लड़की, अमरावती की बेटी आज कलर्स तक आपका बेस्ट मोमेंट पहुंची। यस, तो यस मैं वहाँ गई, मैंने तानिया का किरदार निभाया। और ना ही सिर्फ वो, मैंने
कलर्स पे काम किया है, सोनी पे काम किया है, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया पे मैंने कई एपिसोड्स किए हैं. उसके अलावा ये है आशिकी, यूटीवी बिंदास पे आता है. एमटीवी की कुछ सीरीज की है मैंने, कमर्शियल एड्स किए हैं मैंने, जैसे कि फॉरएवर मार्क डायमंड का है, उसका काम किया मैंने, और काफ़ी कुछ किया है. एडवर्टीजमेंट है, इसके अलावा मेरे ख्याल से SBI बैंक की मैंने ऐड की है. फिर एक कोई बल्ब है, लिटोजा LED बल्ब, बहुत अच्छा बल्ब है, उसका मैंने ऐड किया है. ऐसे कई काम किए मैंने, और बस भगवान की दुआ से अब काम बढ़ते जा रहा है, और आप सभी का प्यार है, आप सभी की दुआएं हैं जो मुझे इतना आगे पहुंचा रहा है, जिसके लिए तहे दिल से धन्यवाद. कुछ हमारे व्यूअर्स हैं, अमरावती के लोग हैं, जो ये जानना चाहते हैं, मैं भी पर्सनली जानना चाहती हूँ कि शायद आपकी शादी हो चुकी है. Oh my God. क्या ये बात सही है, और अगर है तो कैसा सपोर्ट मिलता है घर वालों का? ओके, सबसे पहले तो ये कि जितनी भी लड़कियां आज ये मेरा इंटरव्यू देख रहे हैं, अगर आप सिंगल हैं, अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, और अगर आप ये सोचते हैं कि शादी के बाद जिंदगी खत्म हो जाती है, बस घर संभालना है और बच्चे संभालने हैं, तो ये सच है कि घर संभालना होता है और ये करना भी चाहिए, और बच्चे भी, ये सारी चीज़ें एक पार्ट एंड पार्सल है. बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, आप बस अच्छा घर चुनिए. मैं इतना ही चाहूँगी कि आप शादी बिल्कुल कीजिए सही वक्त रहते हुए, लेकिन आप अच्छा घर चुनिए. देखिएगा घर और परिवार और साथ में करियर कैसे साइड बाय साइड चलता है, जैसे कि मेरा चल रहा है. यस, मेरी शादी हो चुकी है, सक्सेसफुली हैप्पीली मैरिड हूँ मैं, और मेरे हस्बैंड बहुत बिजी होते हैं, और मेरे हस्बैंड हमेशा कहते हैं कि मज़ा तब आएगा जब तुम भी बिजी रहो और मैं भी बिजी रहूँ, और वक्त निकाल के हम एक दूसरे से मिले. तो शादी के बाद भी वो डेटिंग क्या बात है चलती रहे. और मैं डेफिनेटली कहूँगी कि मेरे हस्बैंड से भी ज़्यादा मुझे अगर परिवार में अगर किसी ने वाकई में मतलब कहा कि तुम जाओ आगे बढ़ो, परिवार को तो संभालना है लेकिन साथ में तुम अपना करियर भी संभालो, तो वो मेरी सास है. मेरी सास वाकई में मुझे हमेशा एक बात कहती है कि जब भी आएगी ना मुझे 2 दिन पहले बता देना, मुझे अच्छा लगेगा मैं मेरी सारी सहेलियों में. ये बात तो सही है. तो मेरे भी घर में वही चीज़ें चलती है जैसी बाकी लोगों के घर में चलती है. मैं भी घर में खाना बनाती हूँ जब मौका मिलता है, मेरी सास मुझे सिखाती है. हमें ऐसा लगता है कि फिल्म स्टार्स या फिर टीवी से रिलेटेड लोग काम नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं है. हम भी इंसान हैं, हमें भी इमोशंस हैं, हम भले ही सीरियल में हंसते हैं, रोते हैं, हंसाते हैं, रुलाते हैं, लेकिन हमारे अपनी जाती ज़िंदगी में भी बहुत कुछ होता है जैसा आम लोगों की ज़िंदगी में होता है. बट हाँ, मेरी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं. मेरा परिवार, मेरी सास और मेरे मायके से मेरी बुआ है भक्ति मांडविया जी, उनका बहुत साथ है मुझे. मुझे एक कहते हैं ना कि माँ बाप बहुत बड़ा एक सपोर्ट होते हैं, तो मैं बहुत लकी हूँ कि उसके साथ साथ मुझे मेरी बुआ का बहुत सपोर्ट है. तो मैं ब्लेस्ड हूँ, परिवार मतलब ससुराल से भी और मायके से भी हर कोई मेरे साथ है. सो यस, टच वुड, अनलकी. और आपने फिल्म की बात की तो मैं मेरे दर्शकों को ये बताना चाहूँगी कि लव स्टोरी माझी आणि तिची ये नाम से मेरी शूटिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है. 30-40% अभी बाकी है शूटिंग, और इसमें एक बहुत ही बड़े कलाकार यतिन कारेकर जी भी है हमारे साथ, और भी वर्षा ताई है, यतिन जी है, छोटा मोटा मैं हम सब हैं. और जैसी फिल्म रिलीज़ होगी मैं आप सभी से दरख्वास्त करना चाहूँगी कि आप सब आए थिएटर में, टिकट खरीदें, प्लीज़ आप टिकट खरीद के फिल्म देखें, वो सीरीज़ लेके ना, तो मेरा भी उसमें फ़ायदा होगा. सो प्लीज़ यू पीपल प्लीज़ गो वॉच माई फिल्म एंड इट्स रिलीज्ड, एंड आई रियली वर्क हार्ड. थैंक यू सो मच स्वीटी जी, आपसे बात करके हमें बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा. सिर्फ लास्ट सवाल, एक आखिरी क्वेश्चन कि अमरावती से लेके तो मुंबई तक का सफर कैसा रहा? बहुत ज़्यादा मुश्किल. ओके, ये तो मैं वाकई में जितने भी यहाँ पर कलाकार हैं अमरावती में और या जो बनना चाहते हैं, मैं उनसे एक बात कहूँगी, कभी मत सोचना कि हम अमरावती से हैं कि अमरावती से मुंबई बहुत दूर है, लंबा सफ़र है. तो ये सफ़र सिर्फ ट्रेन से या फ्लाइट से लंबा है, लेकिन अगर जज्बा हो तो बहुत छोटा सफ़र है. और अमरावती में है, लकीली हमारे शहर में, अमरावती शहर में बहुत लोग हैं जो मुंबई से जुड़े हुए हैं आज के डेट में. अगर आप चाहें तो इन लोगों से गाइडेंस लेके भी आप आगे बढ़ सकते हैं. हमारे डांस टीचर्स यहाँ पर, इवेंट मैनेजर्स, आप
शिद्दत से चाहो तो वाकई में कायनात जुट जाती है मेरे लिए। अमरावती में मैं भी पली बड़ी हूँ, भवरीलाल सामरा में मैं स्कूलिंग मैंने किया, बियानी कॉलेज में मैं पढ़ी हूँ, कॉलेज मैंने किया, आगे का मैं नागपुर में किया था। बट मुझे अमरावती में एक चीज़ समझ में आई, अगर आप में कला है, अगर सच्चे दिल से आप अपनी कला को चाहते हो तो आप वाकई में आगे पहुंच सकते हो। बिल्कुल मत घबराना कि मुंबई है वहाँ तो पूरे देश से लोग आएंगे, तो बाकी के देश में भी अमरावती जैसे शहर है ना। हाँ, लेकिन अमरावती शहर जैसे लोग नहीं है शायद, यहाँ वाकई में बहुत स्ट्रेंथ है, एकजुट है लोग, आप आगे बढ़ सकते हैं। और शादी, स्पेशली लड़कियाँ अगर सोचती है कि शादी से आपकी ज़िंदगी रुक गई, तो प्लीज़ ऐसा मत सोचिए, ऐसा कुछ नहीं है। जज्बा है तो सब हो जाएगा, थोड़ी सी कन्विंसिंग पावर रखनी ज़रूरी है। स्नेहल जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो आप इस शिखर पे पहुंचे हो, जो इतना कुछ आपने हासिल किया, इसका श्रेय आप किसे देते हैं? कहते हैं कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। ओह माय गॉड, आई एम ब्लशिंग। मेरे पीछे मेरे पति का हाथ है, मेरे हस्बैंड, मेरा सब कुछ है। आज अगर वो ना होते तो शायद मैं इस मुकाम तक पहुँच नहीं पाती। वाकई में बहुत कम सुनने को मिलता है। बहुत खुशकिस्मत हूँ मैं कि मेरे ऐसे हस्बैंड हैं। मेरा ना ही सिर्फ हस्बैंड, मेरी सास, मेरे ससुर, मेरी पूरी जॉइंट फैमिली है। जेठ है, जेठानी है, देवर है, देवरानी है। मेरी शादी को काफ़ी साल हो गए हैं और आई एम हैप्पीली मैरिड। और मेरी सास और मेरे हस्बैंड, मेरी जेठानी, ये तीन ऐसे शख्स हैं जिन्होंने शादी के बाद एक्चुअली जो भी मैंने पाया है, हासिल किया है, वो शादी के बाद ही है टीवी पे। और इन सबका श्रेय इन तीनों को खास तौर पे जाता है। और मायके से माँ बाप तो हर किसी के होते हैं साथ में, मेरे साथ मेरी बुआ का भी बहुत ज़्यादा एक सपोर्ट है। तो ये कुछ लोग हैं, इन ये लोग अगर मेरी ज़िंदगी में ना होते तो शायद मैं आज आप लोगों से रूबरू ना हो पाती। और शादी के बाद भी आपने अपने आप को बड़ा मेंटेन किया है, कुछ टिप्स अगर आप हमें दे सके तो खुश हो जाएंगे। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच पूजा। यस, मैंने एक बहुत ही बेहतरीन, आई एम ब्लेस्ड कि मैंने ऐसा शो किया। केयर वर्ल्ड एक चैनल है जिसपे 100 डेज डाइट प्लान, ये एक शो आता है जिसके 100 एपिसोड्स, 100 डाइट प्लान्स बताए गए हैं और उसकी होस्ट मैं हूँ। वो पूरा शो होस्ट मैंने किया है और उस शो में सीखते सिखाते यू नो वो डाइट प्लान मैंने फॉलो किया खुद भी, और देयर आई एम। आप हमें, हमारे समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज देने के लिए तो मैं वाकई में बहुत कुछ देना चाहती हूँ मैसेजेस में, बट सबसे पहले तो ये कहूँगी कि वाकई में अगर हमें क्राइम रोकना है तो हमें सतर्क रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसे हम सावधान कहते हैं। और बहुत कुछ सोचती हूँ कि मैं देश के लिए ये करूँ, मैं देश के लिए वो करूँ, बट अभी फ़िलहाल पहले मैं उस हद तक सक्षम बनना चाहती हूँ कि मैं वाकई में कोई बदलाव ला सकूँ। बट जब तक ये चीज़ मैं सीख रही हूँ, तब तक मैं चाहती हूँ कि मैं सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल जैसे जो हमारे एपिसोडिक सीरियल्स हैं, तो इसके द्वारा मैं जनता को कोई अच्छा सा संदेश दूँ, क्योंकि इसमें सब रियलिटी बताते हैं। कोई ना कोई इंडिया के, हिंदुस्तान के, हमारे कोई ना कोई कोने से कोई हकीकत बयां होती है उस शो के द्वारा, जिससे हम एक सोच के साथ आप सबके सामने आते हैं कि आप सतर्क रहिए, आप सावधान रहिए, क्राइम से दूर रहिए, और कैसे आप क्राइम को अवॉइड कर सकते हैं या होने से रोक सकते हैं। तो जब भी मुझे सावधान इंडिया से या क्राइम पेट्रोल से या ऐसे अच्छे और नेक सोच के शोज से फ़ोन आता है तो मैं बिल्कुल मना नहीं करती, और इस सोच के साथ मैं काम करती हूँ कि आई एम गिविंग माई बिट टू माई कंट्री बाई मेकिंग पीपल अवेयर अबाउट द क्राइम इन इंडिया। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सो मच। ये बात सच है कि आपको कई लैंग्वेजेस आती हैं, हिंदी, मराठी, गुजराती? ऐसा है कि कई लैंग्वेजेस शायद पता नहीं, बट हाँ, मुझे कई लैंग्वेजेस आती है, हिंदी, गुजराती, सिंधी, मारवाड़ी, मराठी और भोजपुरी थोड़ा थोड़ा मैं अभी सीख रही हूँ, और तेलुगु मैं थोड़ा थोड़ा सीख रही हूँ। मुझे तेलुगु वच्चू, यानी मुझे तेलुगु आता है, शायद ऐसा ही कुछ सीख रही हूँ। मैंने मराठी चैनल पे भी बहुत काम किया है, मैं मराठी इंडस्ट्री में काम करने में मुझे बहुत रुचि है, क्योंकि मैं महाराष्ट्र की हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि स्पेशली मेरे जितने मराठी दर्शक हैं, मैं उनके लिए, क्योंकि मुझे अक्सर नेट पे मेरे फैंस के मेल्स आते हैं,
फेसबुक पे मुझसे पूछा जाता है कि आप मराठी में क्यों नहीं काम करते, फैन फॉलोइंग आपकी बहुत बड़ी होगी। हाँ जी तो मैं चाहती हूँ कि मैं दर्शकों को बताऊँ कि मैं मराठी में भी काम करती हूँ, और मैंने खास इसी डिमांड पे मैंने रुमजी ये सीरियल में काम किया था। निर्जा मेरा किरदार था, इट वॉज नेगेटिव लीड एंड बहुत ब्यूटीफुल किरदार था, वो मराठी में मैंने किया। और उसके अलावा मैं अभी 4 फिल्में मैंने साइन की है मराठी में, जिसमें से एक है लव स्टोरी माझी आणि तिची, जिसका ऑलमोस्ट शूटिंग हो चुका है। बहुत जल्द आप लोग अपने घर से नियर सिनेमा घरों में मेरा ये मूवी देख पाएंगे। एंड इसी के साथ मैं गुजराती थिएटर करती हूँ, भोजपुरी से मुझे बहुत ऑफर्स आ रही है बट अभी वक्त मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल और इश्क रंग सफ़ेद कलर्स पे, फिर इन सब के अलावा 100 डेज डाइट प्लान, देन कुछ एल्बम्स मैंने किए हैं जैसे कि जीना जीना मोहित लालवानी का कवर सॉन्ग है, उसमें मैंने लीड किया है। तो इन सब के चलते मैं अभी रीजनल में, बट हाँ जैसे ही मुझे कोई अच्छी स्क्रिप्ट मिलेगी मैं बेशक ज़रूर करना चाहूँगी। हमने सुना है ब्यूटी पेजेंट में आपने बहुत कुछ किया, इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? इस बात की वाकई में एक बहुत लवली स्टोरी है मेरे पास। मैं जब कॉलेज में पढ़ती थी तो अक्सर हर लड़की की तरह मेरा भी एक सपना था कि मैं अमरावती के फैशन शोज में पार्ट लूँ और एक अच्छा कोई काम करूँ और मेरा 4 लोगों में नाम। और ऐसा ही मैंने भी किया, मैं बियानी कॉलेज में पढ़ती थी और वहाँ पर पैम्पलेट्स ब्रोशर्स जिसे हम कहते हैं वो बट रहे थे, और फैशन शो के लिए क्या पार्टिसिपेट कीजिए, और मैंने भी हर लड़की की तरह अपने मॉम डैड को कन्विंस किया और मैंने पार्ट लिया और मैं फर्स्ट आ गई। क्या बात। और मैं फर्स्ट आई, उसके बाद वो कहता है ना कि एक बार जब मेकअप लग जाता है चेहरे पे तो हर बार लगता है कि और करे और करे और करे, तो मेरे भी मन में ऐसा ही है कि एक बार फर्स्ट आ गई हूँ तो एक बार और मैं करूँ। करते करते लगातार 4 बार मैंने अमरावती में हर फैशन शो में पार्ट लिया और हर फैशन शो में फर्स्ट आई आप लोगों के आशीर्वाद से। फिर वो भूख लग गई, वो एक हंगर आ गई कि अब और आगे बढ़ना है, तो मैं मिस अमरावती से मिस महाराष्ट्र बनी, मिस महाराष्ट्र से मैं मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में गई, मैंने मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में पार्ट लिया, मैं फाइनलिस्ट बनी और फाइनलिस्ट बन के वहाँ से निकली। सो मेरा ये सफ़र वाकई में बहुत फिल्मी है, क्योंकि अमरावती से शुरू हुआ और बम्बई तक गया, और मैंने पेरिस फैशन वीक होता है उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ। सो यस, आपने इतना सब कुछ अचीव किया कितने वक्त में, कितने टाइम से हो आप यहाँ? ओके, मैंने मुंबई में एज एन टीवी एक्ट्रेस 1 साल में ये सब कुछ किया। 365 दिन में मैंने लगभग 10 से भी ज़्यादा प्रोडक्शन हाउसेस के लिए काम किया है, और 100 डेज डायट प्लान, निष्कारण सफ़ेद, सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, फॉरवर माकी एंड ये है आशिकी, SBI इन टच, जीना जीना कवर सॉन्ग, ये सब कुछ एक साथ। Yes, by God's grace. Thank you so much to you all. और अमरावती के इन सारे दिग्गज लोगों में एक और मैं नाम लेना चाहूँगी, हूँ मैं बहुत छोटी आज भी उनका नाम लेने के लिए, बट प्लेटफॉर्म सही है उनका नाम लेने के लिए, और उनका नाम है नाना, एमटी सर, एमटी देशमुख सर। उन्होंने मुझे मतलब एक अपनी बच्ची की तरह, बाहर मुझे जब डर लगता था, सब लोगों के बीच में एक्टिंग करना पड़ता था तो मुझे बहुत डर लगता था, तो वो एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने मुझे हमेशा कहा, एक दूर से उनका ऐसा चेहरा था करना है, और वो चेहरे से जो ताकत मिलती थी कि नहीं, नाना ने कह दिया अब तो बात खत्म, अब उनका आशीर्वाद है, अब तो मैं बड़ी से बड़ी जंग जीत लूँगी, और जीतती आई हूँ इन सभी लोगों की वजह से। जैसे कि मैंने कहा, भेले मैडम है, MT सर है, विराग दादा है, चंद्रकांत सर है, पंकज दादा है, और ऐसे कई लोग हैं, मैं अगर सच में नाम लेना चाहूँ तो दिन से रात, रात से दिन हो जाए, बट ये सारे लोगों की वजह से ही आज मैं यहाँ आप लोगों के सामने बैठकर ये सारी बातें बोल पा रही हूँ। सो तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ उन सभी का, और उन सभी लोगों का जो सब लोग मेरे पीठ पीछे हमेशा खड़े रहे, और आप सबका, यानी हमारे अमरावती के RCN के व्यूवर्स का। सो थैंक यू RCN मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं अपने अमरावती के सारे दर्शकों से रूबरू बात कर सकूँ, और चाहती हूँ कि आप लोग अपना आशीर्वाद हमेशा मुझ पर ऐसे ही बनाए रखें। थैंक यू सो मच।